गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और आज मैं जा रहा हूँ बीकेसी की तरफ। सो गाइज, ये जो मेरे पीछे ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पे अवार्ड शो होता है, म्यूज़िक का शो होता है, एग्जीबिशंस, कोई भी कंपनी का कुछ भी प्रोडक्ट, किसी चीज़ का भी एग्जीबिशन रहता है, वो एग्जीबिशन होता है। ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा है बीकेसी, ये बीकेसी का ही ग्राउंड है। पहले के टाइम में ये सब जो जितनी ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये बिल्डिंग वगैरह बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पे स्लम्स थे और खाड़ी थी और कुछ भी नहीं था यहाँ पे। इसको बीकेसी इसलिए रखा गया कि ये बैंड्रा और कुर्ला को जो ज्वाइन करता है, इसलिए बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स रखा गया। एक साइड में बैंड्रा आएगा और एक दूसरी साइड में कुर्ला आएगा। और मेरे पीछे देख रहे हैं ये, इसके पीछे अमेरिकन एम्बेसी है, जो कि पहले वहाँ पे कुछ भी नहीं था। गाइज, ये जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये सोफिटल होटल है, बहुत ही एक्सपेंसिव होटल है। सो गाइज, अभी हम आ गए हैं धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, जो कि ये रिलायंस का है, या काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ के जो बच्चे हैं यहीं पे पढ़ते हैं, बाकी बड़े बड़े बिजनेसमैन के भी बच्चे पढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्कूल है ये। सो गाइज, अभी हम आ गए हैं, मेरे सामने देख रहे हैं, ये US एम्बेसी है, जो कि मैं करीब में जाके यहाँ पे शूट नहीं कर सकता था, परमिशन नहीं था। मैंने ट्राई किया शूट करने की, बट वहाँ पे परमिशन नहीं मिला। ये मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये पासपोर्ट ऑफिस है बीकेसी का। अभी हम आ गए हैं, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है, जो कि यहाँ पे हर बिजनेस रिलेटेड एग्जीबिशंस होते हैं। वर्ल्ड वाइड कहीं से भी लोग आते हैं, यहाँ पे एग्जीबिशन होते हैं। सो गाइज, ये मेरे सामने जो देख रहे हैं, NCPA क्लब है, जो कि शरद पवार जी का है। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए मुझे बाहर से ही लेना पड़ा।
गाइस अभी हम आ गए हैं, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेड ऑफिस है, ये मेरे सामने जो देख रहे हैं। और एक साइड में वन बीकेसी है जो कि बहुत ही बिजनेस की सबसे बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे। ये मेरे सामने जो देख रहे हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है, और मेरे राइट हैंड साइड पे आईसीआईसीआई बैंक का है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के वो राइट हैंड साइड पे एचडीएफसी का है। ये सामने देख रहे हैं ये जितनी टोटल ये पूरी बिल्डिंग है जो अपना बैंक ऑफ बड़ौदा की है, और ये राइट साइड में बिजनेस बिल्डिंग है वन बीकेसी करके बोलते हैं। ये सर्कल है पूरा, ये सर्कल के राइट हैंड साइड पे आईसीआईसीआई बैंक का है। तो अभी हम आ गए हैं, ये मेरे सामने कोटक महिंद्रा बैंक का जो हेड ऑफिस है, और मेरे एक राइट हैंड साइड पे सॉफिटल जो होटल है, फाइव स्टार होटल है, उसकी बिल्डिंग है। और ये डायमंड का, ये सामने जो देख रहे हैं डायमंड मार्केट है, और ये जो गेट देख रहे हैं ये सामने मेरे सामने जस्ट ये है जियो वर्ल्ड गार्डन है, और वो सामने देख रहे हैं वो बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस है। ये जो सामने देख रहे हैं ये पूरा जियो वर्ल्ड गार्डन का जो रिलायंस का है, उनका ज़्यादा प्रॉपर्टी बीकेसी में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी सब रिलायंस का ही है, जियो का ही है, ये सब जितना ये है सब टोटल जियो का ही है। ये बाउंड्री जितना दिख रहे हैं, गार्डन दिख रहे हैं, सब जियो के ही अंडर में ही है टोटल। गाइस पहले ये ऐसे ही था, पूरा जंगल था और कुछ भी नहीं था। देखो ये सब पूरा जितना देख रहे हैं ये सब टोटल जंगल है, और अंदर अभी कुछ तोड़ के बनाने वाले हैं। यहाँ तो पूरा खाड़ी था और दलदल था पूरा, जो कि यहाँ पत्थर डाल के थोड़ा ऊपर किया है। यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह आने वाली, देखो वो ONGC की बिल्डिंग है ये सामने जो दिख रही है, और ये यहाँ पे शरद पवार जी का NCA क्लब है, और ये डायमंड का पूरा मार्केट है। ये डायमंड के पूरा ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है यहाँ पे, ये पूरा हेड ऑफिस है यहाँ पे। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें,
गुड बाय।